तो पावर क्वेरी की हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं डेटा कनेक्टिविटी का। डेटा कनेक्टिविटी में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि किस तरीके से हम डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम सॉफ्ट आपका डेटा बेसिस या अदर सर्विसेज को हम लेते हैं। अब इसमें क्या है कि हमने आपको वेब बताया कि किसी वेबसाइट से डेटा कैसे लेके आते हैं। अब जैसे मैंने आपको मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट बताई थी जहाँ से हमने डेटा उठाए थे, हम वापस उसी साइट पे चलते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं स्टॉक मार्केट डेटा। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, चलिए उसी प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं आपके साथ। तो मनी कंट्रोल की साइट पे गया और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर मैंने इस डेटा को लिया और जैसे कि मेरा ट्रेडिशनल है पहले से जो यूज करते हैं फ्रॉम वेब अदर सर्विसेज में, और यहाँ पे हम वेब को करते हैं तो वो टेबल को रीड करके मुझे सजेस्ट करता है। जी हाँ, जो टेबल्स हैं उन टेबल्स को रीड करके मुझे सजेस्ट करेगा कि हाँ ये टेबल का डेटा है, इस पेज पे इतने तरह के टेबल्स हैं और टेबल्स को डेटा हम यहाँ पे दें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मुझे पूरी के पूरी सीट का डेटा चाहिए या एक पर्टिकुलर पार्ट का डेटा चाहिए, एक लोकेशन का डेटा चाहिए, तो कैसे लें? तो यहाँ पे हम इस सर्विस को यूज नहीं कर सकते, हालांकि तो टाइम ले रहा है, तो टाइम इतना नहीं लगना चाहिए था, फिर भी लग रहा है टाइम, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स है ना, सबको रीड कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आ गया, तो इसने सारे टेबल्स को रीड किया। अब मेरे हिसाब से मैं कोई टेक्स्ट नहीं ले सकता, कोई पैराग्राफ नहीं ले सकता, या कुछ और जो है लिस्ट बने हुए हैं विदाउट टेबल, वो लिस्ट नहीं ले सकता। तो ये प्रॉब्लम आती है जब आप वेब से डेटा को कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं यूज कर सकता हूं, ये देखिए लेगेसी, लेगेसी में आपको फ्रॉम वेब सेलेक्ट कीजिए, तो ये आपका पुराना वर्जन का जो था उस पे आ जाता है, ये पूरा का पूरा आपकी वेब पेज को यहां खोल के दे देगा। जी हाँ, अब अगर मैं डायरेक्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया तो वेब पेज का जो पूरा डेटा है ना, ये बार बार यस करना पड़ेगा आपको, ये यहां से इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहां पे लॉगिन वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं। अभी डाउनलोडिंग हो रही है, सारे रिमेनिंग यहां डाउनलोड कर रहा है, ये देखिए। अब मैं यहां पे इंपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये इस पे हम क्लिक करेंगे ये रही। अब देखिए जो जो इंपोर्ट हो सकता है ना, उन सब जगहों पे इस तरह का टिक मार्क लगा दिया। अगर मैंने पूरे को क्लिक कर दिया तो पूरे डेटा को कर देगा, लेकिन डेटा में जस्ट टेबल्स करेगा और करेक्टर्स करेगा, ऐसा नहीं कि पिक्चर्स वगैरह ग्राफिक्स वगैरह करेगा, जी नहीं। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें से इस टेबल का डेटा चाहिए, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया और इस टेबल का चाहिए, इस टेबल का चाहिए, ले सकते हैं। अब जो है जो जो सिलेक्ट किया हुआ है वही आएगा, इंपोर्ट कीजिए, ये आपके सामने डेटा आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज है ना, अभी मार्केट खुला है तो इस साइट पे थोड़ा सा बर्डन भी है, तो आपका ये देखिए आ गया। और टेबल फॉर्मेट में नहीं हुआ, इससे पहले कनेक्शन करते थे तो टेबल फॉर्मेट में आता था, ये नॉर्मल फॉर्मेट में आया हुआ है, लेकिन ये भी कनेक्टेड है। जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये अपने आप को अपडेट करेगा, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करूँगा, लेकिन रिफ्रेश कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, राइट क्लिक करके रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा रनिंग बैकग्राउंड क्यूरी, और ये पूरा का पूरा रिफ्रेश करके जो वैल्यू चेंज होगा वो चेंज, देखिए चेंज हुआ, तो यहाँ पे चेंज कर। अब मैं इसको सेट कर सकता हूँ कि प्रॉपर्टीज पे जाके कि हर 10 मिनट में 15 मिनट में अपने आप को अपडेट करे, तो अपने आप को अपडेट करता जाए।
ये चीजें हम लेगेसी से यहाँ से यूज करते हैं, लेगेसी रिचार्ज से। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी है, फ्रॉम वेब टैक्स हो गया, एलएनसी हो गया, ओडी डेटा फीड हो गया, एक्सएमएल हो गया। इसके अलावा अगर हम फॉर्म कनेक्शन विजार्ड जाते हैं जहाँ पे मुझे ऑडिकल मिलता है, ऑडिकल ले सकते हैं, या कोई अदर सर्विसेज है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट को आप फिल कीजिए कि आपका प्रोवाइडर कौन सा है, कनेक्शन टाइप क्या है और बाकी चीज़ें क्या है, आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपका कनेक्टिविटी हो जाएगा। जैसे कि कोई अलग कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी है वहाँ से इसको आप ले सकते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस की कनेक्टिविटी वगैरह होता है। अब इसमें आता है ब्लैंक क्यूरी, एक लास्ट आता है ब्लैंक क्यूरी। तो ब्लैंक क्यूरी हम कराएंगे जब हम आपको इसकी क्यूरी कराएंगे। जैसे कि आप कोई डेटा आप कनेक्ट करते हैं ना, तो कनेक्टिविटी ऐसा नहीं कि आप क्लिक करें, यहाँ से भी आप कनेक्टिविटी यहाँ पे भी टाइप करके आप अपने डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई कनेक्शन करते हैं, कोई भी कनेक्शन करते हैं, जैसे मैं अगर न्यू सोर्स पे क्लिक किया फाइल, और मान लीजिए कि मैं नोट पैड की फाइल ले लेता हूँ, नोट की फाइल में डेटा बीआई को सिलेक्ट करके मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो यहाँ देखिएगा कि एक जो है क्यूरी यहाँ पे टाइप हो जाता है, फॉर्मूला टाइप, फॉर्मूला की तरह। देखिए फॉर्मूला की तरह एक क्यूरी टाइप हो जाता है। तो जो चीजें मुझे यहाँ, हम लोग यहीं पे वो क्यूरी जो यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे साइड में तो पूरा क्यूरी दिखेगा। तो ये जो क्यूरी यहाँ पे लिखा हुआ टेबल ट्रांसफॉर्म कॉलन टाइप प्रमोटेड हीडर, और ये पूरा आप ध्यान फैन देख पा रहे हैं, ये क्यूरी हम यहाँ भी डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। और ये हम क्यूरी में आपको कराएंगे भी, लेकिन ये आगे क्लासेस में हम आपको कराएंगे। फिलहाल हम आपको इतना ही चीज़ें बताएंगे जो हमने कनेक्टिविटी की है और इसमें जो हम चेंज कर रहे हैं। हमें सोर्स पे आते हैं, तो सोर्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर सोर्स का क्यूरी यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डॉट सी एस बी डॉक्यूमेंट फाइल ने, और ये देखिए ये रहा कॉलम। तो इस तरह से नई क्यूरी हम लिखते चले जाते हैं और ये अप्लाइड होते चला जाता है। इस तरह की चीजें हम लगा सकते हैं, ये हम आगे क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।